बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमने प्राप्त किया है, जिसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज ये आइए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था कि भाई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है। तो पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक तो प्लस का क्यू है और एक चार्ज है माइनस का क्यू, कहने का मतलब क्या है, परिमाण में बराबर है, मैग्नीट्यूड में क्या है इक्वल है, बट डायरेक्शन में कैसे हैं ये अपोजिट है, तब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम अगर 2L है तो इनमें से किसी भी एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनका मल्टीप्लिकेशन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है, और ये जो सिस्टम होता है इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इसी की वजह से आज हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए बच्चों, पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की टू स्टेजेस होती हैं। नंबर वन एक्सियल स्टेज, या यूं कहा जाए अक्षीय स्थिति। सेकंड होती है निरक्षीय स्थिति, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल स्टेज। तो पहले हम बात करने वाले हैं अक्षीय यानी एक्सियल स्टेज की। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर एक काम किया, हेडिंग क्या है हमारी, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके बाद बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, जैसे कि हमारे पास यहां पर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है बच्चों, और इसी की बिल्कुल रो में यह एक पॉइंट है हमारे पास जिसका नेम है बी, और बी को हम यहां नहीं लिखेंगे, बी को हम यहां लिख देंगे। अब ए और बी हमने लेट कर लिए दो पॉइंट, ठीक है बच्चों। लेट कर देने के बाद यहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, 2L है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये 2L है, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा इस पे जो चार्ज है जिसको हम अलग रंग के स्केच से लिखने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, यहां इसका जो चार्ज है वो है माइनस का क्यू, इसका जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो है प्लस क्यू। देखें बच्चों, एक माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास और एक चार्ज है हमारे पास प्लस का क्यू। ये क्या तैयार हुआ हमारा, तो आप लोग कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक डायपोल या यू कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव हमारा तैयार हो गया है। अब तैयार हो जाने के बाद जब हमने इसको तैयार कर लिया तो बच्चों इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, ओ। ध्यान दें बच्चों, इसका मिड पॉइंट क्या है हमारा, ओ। अब मिड पॉइंट ओ हो जाने के बाद यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, देखना ध्यान से बच्चों, ये डिस्टेंस स्मॉल एल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, और ये डिस्टेंस भी कितनी है इसकी, स्मॉल एल है। तो इस तरीके से बच्चों हमने डिस्टेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, स्मॉल एल स्मॉल एल। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय, यानी एक ही सीध में, बिल्कुल एक ही रेखा में बनने वाली जो स्थिति होती है उसको हम एक्सियल कहते हैं। अब यहां पर मैंने एक काम किया, थोड़ा सा हम ब्लू लाइन का यूज इसमें कर लेते हैं, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहां हमारे पास एक पॉइंट है कैपिटल पी, कैपिटल पी नहीं मानते बल्कि एक काम करते हैं इसको हम एस मान लेते हैं, क्योंकि हमारा नाम भी एस से स्टार्ट होता है शारिक सर, तो मैंने इसको एस सेलेक्ट कर लिया है। अब एस सेलेक्ट कर देने के बाद हम एक काम करते हैं, वो क्या, देखना बच्चों ध्यान से, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने स्मॉल आर लेट कर लिया, और थोड़ा सा इसको खूबसूरत सा कर लेते हैं बाय द रेड स्केच, बाय द हेल्प ऑफ रेड स्केच। तो देखें बच्चों ये होगी डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर। आर हो जाने के बाद अब ध्यान दें इस बात पर कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, कौन सी वाली, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, बताएं सभी लोग इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जैसे कि ये कितनी है हमारे पास R, ये कितनी है L, ये कितनी बची R माइनस L। ध्यान दें बच्चों डिस्टेंस कितनी है वाली R, ये कितनी है L, तो ये कितनी है बची R में से L, यानी R माइनस L ये बच गई हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली
अब हम यहां से देखें बच्चों, यहां से अब हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये तैयार कर रहे हैं। देखना ध्यान से, ये कितनी है आपके पास आर, ये कितनी है बच्चों आर, ये कितनी है एल, ये आर है पूरी, ये कितनी है एल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एल, तो यह हो गया आर प्लस एल। इस तरीके से हमने इसका डायग्राम तैयार कर दिया। अब डायग्राम तैयार करने के बाद हमको फाइंड करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोगों को याद होगा प्रीवियस चैप्टर कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ में भी एक्सियल स्टेज का फॉर्मूला सिमिलरली इसी तरीके से हमने फाइंड किया था, बट वहां फॉर्मूले में और यहां फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होने वाला है। वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण क्या फाइंड किया था, ई इज इक्वल टू 1/4 πε0 इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहां क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 πε0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है। चलिए पहले हम एक काम करेंगे, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां एस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट एस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ के फॉर्मूला हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण कारण पॉइंट एस पर, पॉइंट एस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक क्या आ गया हमारे पास पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट एस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो लगाते हैं यहां फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा बनने वाला है बच्चों वी वन इज इक्वल टू 1/4 πε0 इंटू क्या आएगा माइनस क्यू, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एक कैसी राशि है अदिश राशि, अदिश का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। अब क्यू आ गया अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू से और एस तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास आर प्लस एल, तो यहां पर क्या लगा दिया हमने आर प्लस एल। इक्वेशन नंबर बनी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाने के बाद उस साइड में हमारे पास काफी स्पेस है। क्यों बच्चों, आप लोग बैठे हुए हैं आप सबको पता है यहाँ पर काफी स्पेस है, नहीं है काफी स्पेस है यहाँ पर। देखते हैं आगे, अब प्लस क्यू आवेश की हम बात कर लेते हैं, तो प्लस क्यू आवेश की बात करने के लिए लिखते हैं पहले यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट एस। क्या लिख देंगे यहां पर ऑन पॉइंट एस, वहां स्पेस नहीं इस वजह से मैं इसको यहां लिख रहा हूं ऑन पॉइंट एस। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, राइट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला बनेगा वी टू इज इक्वल टू 1/4 πε0 और चार्ज कितना है हम लोगों के पास बी पॉइंट पर प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपॉन में क्या आएगा आर माइनस एल, तो यहां क्या लगा दिया हमने आर माइनस एल। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अभी तक कुछ कट नहीं हुआ है बच्चों, आराम से आप देख सकते हैं सब स्क्रीन में हमारा आ रहा है। अब इसके बाद आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, यानी हम लिख देंगे यहां पर क्या इलेक्ट्रिक, लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः परिणामी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इनको हमें एलजेब्रिक मेथड से जोड़ना पड़ेगा, या यूं कहा जाए बीजगणितीय रूप से जोड़ना पड़ेगा, या यूं कहा जाए सामान्य मेथड से इसको जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ के देखते हैं पहले इसको वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, यह हमने इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहां बैठे हुए हैं आप सब लोगों को पता है, आप भी जितने लोग बैठे हुए हैं क्या ये बोर्ड के बाहर तो नहीं निकल रहा है, नहीं अभी ये शायद बाहर नहीं निकल रहा है बोर्ड के, हम इसी को करते हैं कॉपी। ठीक है,
वी इज इक्वल टू, ये काम कर लेते हैं पहले, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं। अब क्लीन करने के लिए पहले एक काम करें, क्लीन नहीं करें, वैल्यू लगाते हैं। वी इज इक्वल टू, देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/4πε0, 1/4πε0, क्यू क्यू, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए देखते हैं, यहां पर 1/4πε0 क्या बचा हमारे पास? माइनस। और हाँ बच्चों, क्यू भी क्या आ गया इसमें से? कॉमन। तो क्यू जब हट जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 1। तो माइनस का 1 अपॉन आ जाएगा हमारे पास आर प्लस एल, और आर प्लस एल आ जाने के बाद आगे क्या आएगा हमारे पास? यहां से देखें, 1/4πε0 बाहर आ गया, क्यू भी यहां से बाहर आ गया। अब क्या बचा हमारे पास? प्लस 1/r-l। अब तो हमें साफ करना पड़ेगा पिछला वाला, वरना ये बोर्ड के बाहर भी निकल सकता है। चलिए पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं, कोई बात नहीं। सो पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं यहां से, और क्लीन कर देने के बाद जब हमने इसको क्लीन यहां पर ये कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहां इसको क्लीन करने के बाद काफी स्पेस हमारे पास हो चुका है। अब स्पेस हो जाने के बाद हमें केवल इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं आगे। v इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। और q भी क्या है हमारे इसमें से? कॉमन है। अब क्या आया हमारे पास? बताएं बच्चों, इसका एलसीएम क्या होगा? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो r प्लस एल इंटू आर माइनस एल इसका एलसीएम बन जाएगा। बनाते हैं इसका एलसीएम, यह बनेगा आर प्लस एल और यह बनेगा आर माइनस एल, ठीक है बच्चों। बन जाने के बाद प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, और आर माइनस एल की माइनस वन से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं, माइनस और ये आर माइनस एल, अब क्या आएगा? प्लस। अब प्लस आ जाने के बाद माइनस वाले से माइनस वाला क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? प्लस वाला। तब आर प्लस एल और ब्रैकेट हो गई क्लोज्ड। क्लोज हो जाने के बाद इनकी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों, तो इनकी मल्टीप्लाई हमारी क्या बनेगी, देखते हैं। यहां पर v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, एप्साइलन नॉट इंटू क्या आ गया हमारे पास? इसकी ब्रैकेट जो है हम ये ओपन कर देते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। देखते हैं यहां पर, माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल अपॉन में क्या आएगा? लाइन टेढ़ी हो जाती है बच्चों, अक्सर थोड़ा नीचे लिखते हैं ना तो लाइन टेढ़ी पड़ जाती है। तो यहां बन गया हमारे पास, अब ये बताएं, आर प्लस एल की आर माइनस एल से मल्टीप्लाई की हमने, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल 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 स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या हो गई हमारे पास? क्लोज हो गई। अब चेक करते हैं इसमें कैंसिल क्या होगा। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आर से आर कैंसिल हो जाने के बाद अब इसको थोड़ा सा हमें क्लीन करना पड़ेगा, कृपया करके हमें जरा दूसरा कपड़ा दे दें, क्योंकि ये वाला कपड़ा थोड़ा सही से साफ नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये वाला कपड़ा भी नहीं, दूसरा वाला कपड़ा, क्योंकि ये कपड़ा इंक को फैला रहा है, कभी कभी होता है कपड़े की प्रॉब्लम रहती है। चलिए आगे, कपड़ा हमारे पास दूसरा वाला, ये कपड़ा काफी बेहतर साफ करता है, आप देख सकते हैं चमक रहा है इससे बोर्ड बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसको क्लीन कर देते हैं, डायग्राम पे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, और क्लीन कर देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा धुलवा के लाना पड़ेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक फॉर फिजिक्स, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फिजिक्स एनसीईआरटी और सीबीएसई यूपी यूपी बोर्ड, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा हम लोगों के पास? वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इनटू, देखिए बच्चों एल और एल कितना हो गया? 2l, तो यहां आ गया हमारे पास 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखना बच्चों, मैंने कॉपी किया बस, आर स्क्वायर सॉरी 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, आप लोग एक बात जानते हैं, वो बात क्या है? वो बात ये है, वैद्युत द्विध्रुवागुण P इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू 2l, इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है। अब ये वैल्यू हम यहां पर लगाने वाले, किस जगह लगाएंगे? देखो यहां लगाते हैं वैल्यू, V इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 इंटू P अपॉन कितना आएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
अब इसके बाद आप बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप में से प्रत्येक बच्चा जानता है, क्या जानता है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम L, यानी R बहुत बड़ा है स्मॉल L से, क्योंकि जब मैंने आपको बताया होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तब ये शर्त 100% बताई होगी, R हमेशा बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं H2O की, HO क्या बना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बना। अब ये जो डिस्टेंस होती है बाहर मानी गई डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी होती है, इस वजह से तो हम एक काम करते हैं, L को हमने किया निगलेक्ट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0, देखना बच्चों ध्यान से, P/r2। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बना, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r2। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, या हम कह सकते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा निरक्षीय स्थिति में, यानी इक्वेटोरियल स्टेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होने वाला है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। और मेरी कंटिन्यूटी के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी उनको कमेंट बॉक्स में लिखते भी